नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जून 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कन्या लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जून का माह कैसा जाएगा। अगर आपका कम्बिनेशन कन्या लगन व मकर राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। कन्या लगन का क्या अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जो पहला भाव है जिसको लगन कहते हैं, अगर उसमें वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसका अर्थ है आपका कन्या लगन बनता है। और चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है 10 नंबर की राशि में, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि बनती है, यानी कन्या लगन व मकर राशि। सबसे पहले हम देखें कि जून के माह के लिए कन्या लगन व मकर राशि के लिए ग्रहों की क्या स्थिति है। कन्या लगन के में तीसरे भाव में वृश्चिक राशि के केतु विद्यमान है, पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में है और छठे भाव में कुंभ राशि के गुरु हैं जो 20 जून को वक्री हो जाएंगे। भाग्य भाव में राहु बुध व सूर्य की युति और 14 जून के बाद सूर्य मिथुन राशि में दशम में चले जाएंगे जहां उनकी शुक्र की संगति हो जाएगी और अष्टमेश मंगल अपनी नीच राशि कर्क में एकादश भाव में विद्यमान है। मकर राशि से बात करें तो शनि महाराज लगन में वक्री अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति धन भाव में जो धन के कारक हैं और वो 20 जून को वक्री होंगे। पंचम भाव में सूर्य बुध व राहु की युति और 14 जून के बाद सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करके शुक्र के संगति कर लेंगे। सप्तम भाव में कर्क राशि के मंगल और एकादश भाव में वृश्चिक राशि की केतु। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है कन्या लगन व मकर राशि के लिए। मेरा यह मानना है कि कन्या लगन व मकर राशि के लिए अगर आपका जून का महीना आपके लिए 50% तक सही जाने वाला है। उसका रीजन क्या है कि जून के महीने में माह का जब आरंभ होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे काम कुछ बन नहीं रहे, कामों को वो गति नहीं मिल रही जो बननी चाहिए। पर धीरे धीरे करके 14 जून के बाद जो समय आएगा, 14 जून के बाद आपको लगेगा धीरे धीरे काम बनने शुरू हुए और 20 जून के बाद काम आपके तेज़ी से बनने लगेंगे क्योंकि गुरु के वक्री होने का आपको डायरेक्ट फायदा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि गुरु के वक्री होने के साथ साथ कन्या लगन के लिए शनि महाराज जो वक्री हुए हैं वो कुछ नेगेटिव हैं, क्योंकि शनि महाराज जो पंचम राशि में वक्री हुए हैं वो जो है फोर्थ हाउस से इफेक्ट दे रहे हैं। फोर्थ हाउस का इफेक्ट जो है कई बार ढैया का प्रभाव देता है कि कामों में चौथे घर का शनि कामों में किसी प्रकार की बाधा देता है। तो कन्या लगन के जातकों को गुरु की पॉजिटिविटी मिलने से और इस माह सूर्य की पॉजिटिविटी मिलने के बाद भी ऐसा लगेगा कामों में उतनी तेजी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर आपका कन्या लगन व मकर राशि का कम्बिनेशन है तो 50% तक आपके काम बनने की संभावना बनती है। अब आपका जून के महीने में काम बनने का समय कौन सा आता है, तो वो काम बनने का समय निकलता है 14 जून से लेकर 30 जून के बीच में। और इसमें भी 20 जून के बाद वो समय आएगा जब आपके काम तेजी से बनेंगे। आपको जॉब की तलाश थी तो जॉब मिलने की संभावना है, प्रमोशन हो सकती है, आपके पास किसी तरह का ऑप्शन आ सकता है, व्यापार में आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, धन के लिए ये समय शुभ रहेगा आपके लिए। जब गुरु कुंभ में है तब भी शुभ है और जब क्योंकि कुंभ से भी धन के कारक गुरु की धन भाव पर दृष्टि होगी, दशम पे भी दृष्टि है और पंचम भाव से भी जो इफेक्ट देने लगेंगे तब भी गुरु आपके लिए शुभ रहेंगे। और एकादश भाव में जो कर्क राशि का मंगल है उस बात का संकेत दे रहा है कि आपको प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं या आपको प्रॉपर्टी से किराया आ सकता है, जमीन से जुड़ी चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। कन्या लगन व मकर राशि के जातकों के लिए समय है कि अगर वो अपने विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे तो विवाह इस अवधि में तय हो सकता है। पर इसके साथ साथ क्योंकि सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल चल रहा है और माह के आरंभ में सप्तमेश गुरु छठे भाव में होंगे, तो एक सावधानी तो ये है कि इस माह के आरंभ में आपको दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या परेशानी महसूस हो सकती है, जीवन साथी से संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। लेकिन 20 जून के बाद उस संबंधों में अच्छी शुभता आएगी और टेंशन आपकी कम होगी। और साथ ही साथ अगर आप अपना व्यापार या बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप से किसी प्रकार का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल अपनी नीच राशि में चल रहा है और मंगल लगन पर दृष्टि देगा। मंगल जब लगन पर दृष्टि देता है तो क्रोध की मात्रा बढ़ती है, तो एक तो अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिए और मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर भी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाणी भाव पर। जब मंगल जैसे कूर ग्रह की या उसकी नीच राशि की दृष्टि होती है तो वाणी से कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए और उन बातों के निकलने से कई बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए वाणी का इस्तेमाल भी जून के माह में सोच विचार कर करिए। और क्योंकि आपका चंद्र राशि का स्वामी शनि लगने, आज जो आपका चंद्र लग्नेश है वो समय वक्री चल रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा होता है तो पिछली चीज़ें लौट के आती हैं। साथ ही माह के 14 जून के बाद
काम के लिए तो समय बढ़िया है, लेकिन साथ साथ अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की कनेक्टिविटी छठे भाव से हुई है। जब छठे भाव का संबंध शत्रु शुक्र से होता है तो शुक्र आपको धन वैभव देता है, खर्चे की प्रवृत्ति देता है, खर्चे कराता है, घर में लग्जरी गुड्स आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके शत्रु भी बढ़ते हैं। शत्रुओं को छठे भाव का शुक्र जो है सक्रिय कर देता है, इसलिए अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधानी रखें। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें सावधानी का समय है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कन्या लग्न व मकर राशि के जातकों के लिए। जून का माह 50% तक सही जाने वाला है। 14 जून से लेकर 30 जून तक आपके काम बनने का समय आ रहा है, और 20 जून के बाद कामों को विशेष रूप से गति मिलेगी और वो गति तेजी से आपका काम बढ़ेगा। मान के चलिए 14 जून से लेकर और 13 जुलाई तक वो समय है जब आपके काम तेजी से होंगे और आपको कामों में सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।